हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ हरे मटर के पराठे। बहुत टेस्टी बनते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए मैं 2 कटोरी गेहूं का आटा ले रही हूँ। आप चाहो तो मैदा का इस्तेमाल कर सकते हो या आधा मैदा आधा गेहूं का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक आधा छोटा चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, 1 छोटा चम्मच तेल, पानी डाल करके नरम आटा लगा लेते हैं। आटा लग चुका है, अब हम यहाँ पे इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 1 छोटा चम्मच तेल, थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे। जीरा तड़कने लगे तो इसमें हम डालेंगे 7 से 8 कटी हुई लहसुन, 3 कटी हुई हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल करके हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। उसके बाद में मैं डाल रही हूँ इसमें 200 ग्राम हरा मटर। मैं फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, चाहो तो फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसमें डाल देती हूँ आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके मिक्स कर लेंगे और ढक करके 1 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे 1 मिनट ही पकाना है, बस मटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अभी इसको हम ठंडा करके मिक्सी जार में डाल करके एक बार आपको इसे पीसना है, ये तुरंत ही पिस जाएगा। बस इसे हल्का दरदरा पीस लेना है, एक बार घुमाएंगे मिक्सी तुरंत पिस जाएगा। उसके बाद में हम इसे लोई तोड़ लेते हैं आटा का, इस तरीके से मीडियम साइज का, जैसे हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल वैसे हम लोई बना लेंगे। और हम इसे पूड़ी के आकार का इसे बेल लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए और पूड़ी के आकार का इसे बेल लीजिए। अब देख सकते हैं इसको हमने पूड़ी के साइज का बेल लिया है। अब हम इसमें जो स्टफिंग बनाया था उसको 1.5 चम्मच के करीब स्टफिंग को डाल देते हैं। पराठे को ऊपर उठाएंगे हाथ में और इस तरीके से हम इसको बीच में करेंगे, स्टफिंग को सही कर लेंगे और फिर हम इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए इसे पैक कर देंगे। और जो आटा है एक्स्ट्रा निकालेंगे, इसको हाथों से इसे थोड़ा सा चपटा कर लेंगे और उसके बाद में सूखा आटा लगा करके हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। अब देख सकते हैं कितना आसानी से ये, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बेल गया है। हमने इसे अच्छे से बेल लिया है। सेम प्रोसेस हम सेकंड पराठे में करने वाले हैं। ये देखिए मैंने स्टफिंग कर लिया इसे और फिर इसे बेल लेते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा स्टफिंग ज़्यादा किया है, इसलिए आप देख सकते हैं ऊपर आपको स्टफिंग दिख रही होगी। हमने इस पराठे को भी बेल लिया है। तवा को गर्म करेंगे, तवा पे पराठे डाल करके एक तरफ से सेक लेंगे पहले, फिर हम तेल लगा लेंगे इस तरीके से और दूसरी तरफ पलट करके भी तेल लगा लेंगे और पलट करके हम पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। देखिए पराठा फूल भी रहा है और इस तरीके से हम पराठा को हम उलट पलट के सेक लेंगे अच्छे से। आप चाहो तो घी या तेल जो भी पसंद है वो लगा सकते हो। सेम प्रोसेस से हम और सारे पराठे भी बना लेंगे। ये देखिए पराठा रेडी है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी बना करके दे सकते हैं या फिर लंच या डिनर में भी इसे खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें।